नमस्ते बच्चों, डीएवी मोयर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में आप सभी नन्हे मुन्नों का मैं आपकी अध्यापिका कीर्ति सेलोकर सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा इस विषय में पाठ पढ़ने जा रहे हैं। भजन पाठ 14वां भजन। भजन इस शब्द का अर्थ क्या है? तो जिस काव्य में ईश्वर का गुणगान किया जाता है वह है भजन। तो देखते हैं हम, कवि भजन में ईश्वर से क्या क्या कह रहे हैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर जाऊँ मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊँ मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊँ मैं। करूँ किस भांति आवाहन की तुम मौजूद हो हर जहाँ। करूँ किस भांति आवाहन की तुम मौजूद हो हर जहाँ। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊँ मैं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊँ मैं। तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही हो व्यापक फूलों में। भला भगवान पर को कर चढ़ाऊँ मैं। भला भगवान पर को क्यों कर चढ़ाऊँ मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं। बच्चों, हमने ईश्वर का भजन गायन किया है, अब हम इस भजन का अर्थ समझते हैं। कवि ईश्वर से, भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, मैं व्याकुल हूँ कि मैं आपको प्रसन्न कैसे करूँ। कोई भी वस्तु इस संसार में ऐसी नहीं है जिसे मैं आपके सेवा में ला सकूं। किस तरह मैं आह्वान करूं भगवान, आप तो हर जगह हर पल मौजूद हो। मैं कैसे आपको बुलाऊं, आप तो मेरे पास ही मौजूद रहते हो। हर जगह आप मौजूद रहते हो। हे भगवान, अगर आपको बुलाने के लिए मैं घंटी बजाऊं तो ये मुझे अनुचित लगता है। हे भगवान, आप मूर्ति में भी हो, आप फूलों में भी हो, आप इस प्रकृति में हर तरफ मौजूद हो, आप व्यापक हो। भला हे भगवान, मैं भगवान को ही भगवान पर कैसे चढ़ाऊँ, क्योंकि मैं जिस चीज आपको चढ़ाना चाहता हूँ उस चीज में आप ही विराजमान रहते हो। फिर भगवान को ही भगवान के ऊपर मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ। हे भगवान, अगर मैं आपको फूल चढ़ाना चाहूँ तो उस फूल में ही आप ही हो, तो आपको ही आप पर कैसे चढ़ाऊँ। ऐसे कवि भगवान से इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं।
लगाना भोग कुछ तुमको, फकत अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको, फकत अपमान कराना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महाअंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। महाअंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। भुजाए है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। भुजाए है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। तू निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। आगे कवि भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, आपको भोग लगाना ये तो अनुचित है, क्योंकि जो भोग हम आपको लगाएंगे उस भोग में भी आप ही विराजमान हो। आपने ही उस भोग की निर्मिति की है, फिर वही भोग हम आपको कैसे चढ़ा सकते हैं। अन्न में जल में आप ही आप हो। और हे भगवान, आप हम सबको खिलाते हो, आप खिलाने वाले हो, और हम आपको कैसे खिलाएं। आप इतने महान हो, आप इस सारे प्रकृति को खिलाते हो, तो हम आप खिलाने वाले को हम खाने वाले कैसे खिला सकते हैं। आपको खिलाना ये मुझे अनुचित लगता है, ऐसे भक्त ऐसे कवि कह रहे हैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। हे भगवान, आपकी ही ज्योति से ये जो आकाश में विराजमान चांद तारे हैं, ये तो आपने ही बनाए हैं। आपने ही उन्हें ज्योति प्रकाश प्रदान किए हो। और हे भगवान, महाअंधेर है इस जग में, कैसे मैं आपको दीपक दिखाऊं। न आपकी भुजाएं है, न आपको कोई गर्दन है, न आपका सीना है, न कोई पेशानी है, अर्थात आप निराकार हो, आपको कोई शरीर नहीं है। फिर आपको शरीर ही नहीं है तो हम आपको चंदन कहाँ लगाए। हे निर्लेप नारायण, आप निराकार हो, आप अदृश्य हो, हम आपको चंदन कैसे लगाए। तो बच्चों, भक्त कवि इस तरह भगवान से कह रहे हैं कि आप निराकार हो, ये सृष्टि ये प्रकृति में हर तरफ आप मौजूद हो, आप विराजमान हो, आप ही खिलाने वाले हो। हमने भजन यह पाठ पढ़ा है और समझ भी लिया है। अब समय है अभ्यास का। अभ्यास में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला है, भक्त भगवान की पूजा के लिए घंटी बजाना क्यों नहीं चाहता। क्योंकि भगवान को घंटी बजाकर बुलाना भक्त को उनका अनादर करना लगता है। प्रश्न दूसरा है, भक्त भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाने में क्यों हिचकिचाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, जो फूल भक्त भगवान पर चढ़ाएगा उस फूल में स्वयं भगवान विराजमान है, फिर भगवान को ही भगवान पर कैसे चढ़ाए। इस भावना से फूल चढ़ाने में भक्त हिचकिचाता है। प्रश्न तीसरा है, भगवान को भोग लगाने से भगवान का अपमान किस तरह होता है। तो बच्चों, यह जो भोग है, यह जो खाना है,
ये भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने ही उत्पन्न किया है, भगवान तो खिलाने वाला है, फिर हम उसको कैसे खिला सकते हैं। इसीलिए भगवान को भोग खिलाना, भोग लगाना भगवान का अपमान होता है, ऐसे कवि को लगता है। भक्त भगवान को चंदन क्यों नहीं लगा पाता? भक्त भगवान को चंदन इसलिए नहीं लगा पाता क्योंकि भगवान निराकार है, निर्लभ है, अदृश्य है, तो फिर वो उनको चंदन नहीं लगा सकते हैं। प्रश्न पांचवा है, क्या तुम भगवान को रिझाने के लिए उसकी मूर्ति के आगे घंटी बजाना, मूर्ति पर फूल चढ़ाना, चंदन और भोग लगाना, दीपक दिखाना ठीक समझते हो? तो बच्चों, यह कृति अगर आपको ठीक लगती है तो हाँ लिखिए, और नहीं लिखती है तो नहीं लिखिए, और उसका कारण दीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले ऑनलाइन कक्षा में। धन्यवाद।